तो उन वक्त सदका खैरात ज़कात नहीं खा सकते। असद उतरे कौम चन खैल उतो सी फिर वाला ना रलने सारा को असें एक बुजुर्ग वडेरे को सुना उस आखा इन खान बे खैर लावे फिरवाल जड़े इन अंग्रेज के कुत्ते धवे ने और अंग्रेज इन्हें जिम्मी अलाट की दिया इन मलक बन गए फिर बन गए मलक बन गए बात अवान बन गए बात पता नहीं ए या नहीं लेकिन जिम्मिया सारिया कह दी अंग्रेज देगा कौन देगा अंग्रेज देगा तो इन हार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया सैयद ये त्रै निशानियाँ हो सन सैयद ने की हो सन त्रै निशानियाँ पहली निशानी कि सैयद खूबसूरत हो सी हसीन हो सी के हो सी खूबसूरत हसीन हो सी अतल शाह बुखारी साहब ने खानदान को देखो ना बेटे उन्होंने काद जिसम पढ़ लपा को मना ना भाई मर्द ऐसा हो और शाह साहब तो वैसे जिस तो अब्दुल्ला दरखास्ती रहमत को ख्वाब इजारत हुई फरमाया बैठे बेटे अतल शाह बुखारी को बेटा सलाम आखाए और ना फका दसाए कि मैंने खत्म नुबत कुत्ते भोंकने पे और तुम की करो पैरे दो और तुम उन्हें मिल के उन्हें काम कराए और उन्होंने इबादत कराए। हर दरखास्ती रहमत फरमाने उन दरखास्ती खानपुर ने आए सीधे उम्र तो आए तो मुल्तान मान गए हर शाह साहब बुड़ बुड़ पूछ ले मैं वाकई तरह मेरे नाना के फरमाया उन्हें फरमाया उन्हें फरमाया मेरे बेटे को खाए फरमाया मेरे को अभी भी एक गलते एतमाद आया कि मैं सैयद खानदान चुना हाँ तो मेरे को और यकीन हो गया कि जिस मैंने नबी फरमाता कि मैं बेटा तो मैं आले रसूल चुना मैं कह आले तो फरमाया कि दुई निशानी जड़ी एक खूबसूरत है दुई निशानी कि दलेर हो सैयद बुजदिल न सैयद के नौसी बुजदिल हो नौ हरत इमाम हुसैन ने खानदान चो होवे तो बात बुजदिल हो गए इंज आप अपनी जान कुर्बान कर इमाम हुसैन के करती लेकिन बातिल लगे झुके नहीं तो एक ही है दलेर है खानदान भी सारा कि दलेर है हूँ तो छोटे बच्चे अकबर तस्कर गिन के आ गए छोटे बच्चे गिन के भी हाँ इमाम हुसैन आ गए त्री निशानी कि सैयद सखी हो सैयद क्यों हो सी बखील ना हो सी बखील हाँ ना हो सी अज जरा घर घर कोई मंगना वतना करेना वतना साल बाद छः महीने बाद सखी नहीं है सैयद भी नहीं में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर हाँ पता हकीकी तौर पर सैयद है और उस अल्लाह पाक अलामात नहीं पास दसियां उन भी पाइया मनियां पूरी नहीं तो अक्सर भी पाइया मनियां तो असी उन्होंने अदबो इकराम भी करा और उन्हें हदीय तोहफे देवा उन्होंने क्या देवा हदीय तोहफे देवा इस नस्बत न कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खानदान के बिचो आप अलैहिस्सलाम ने कहे खानदान के बिचो भी इस वक्त आखिरी गल करके खत्म करें कि एक पहलवान है बहुत बड़ा बादशाह मैं पूछ रहा ना से तक लौता और बादशाह शाही पहलवान है ये है शाही पहलवान है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकना जितने भी कुश्ती बादशाह उसने कुश्ती रखी और एक कमज़ोर दुबला पतला जा बंदा उस आका भी मैं इस नाल कुश्ती लड़ सा बादशाह उसको आका भी नहीं उस आका नहीं सका हड्डियाँ थोड़ा कचुबड़ कर दी तू कथे पहलवान थे तू उसके मुकाबले ने तो फरमाया कि नहीं मैं लड़ सा बादशाह इनाम बड़ा रखा हुआ है वो जो जे कुश्ती लड़न लगे तो उस एक गल आकी उस आका तू पहलवान है सारी गल लेकिन मैं नहीं पसंद मैं खानदान चुना काफ़ी दिन तो उसने घर फाका कोई शय को नहीं और तू वक्ती तौर तो डे वैसे और मैंने को इनाम मिल वैसी और मैंने घर और मैंने पेट जरा उपाल वैसी और गुजारा हो वैसी कई दिन तो फाका उसने सली गल सुनी नहीं पसंद मैं खानदान की मोहब्बत इतना सी हर मुसलमान ने दिले वसनी पी तो उस जरा पहलवान है वो जान के इंजा डे पै बादशाह हैरान पर मैं देसी घ्यो तो माखी तो कहना के खवा खवा के एक कमज़ोर जब बादशाह का दोबारा वत दिस रहा तो उसने बेजती तो बड़ी है कि शाही पहलवान है और उसकी दुमाइयाँ और एक आम आदमी को कुश्ती हार बढ़ना जिसने चैलेंज किया पा इनाम रखा पा बादशाह की तरफों सारी गलत दोबारा वत है पा बादशाह उसको इनाम दिता और उस शाही खानदान जो पहलवानी तो फारिग कर दिता उस रात ख्वाब नहीं पास रहने ज्यारत हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको फरमाया आज तुद मैंने खानदान नहीं और ताउन किया तुद अपनी बेजती बर्दाश्त की थी अल्लाह पाक तुद को क्या माता थारे इज्जत दे सी तो कीवे तो असा पता लगे अस उसकी खानदान नहीं के करा सैयद अज़ब इकराम करना चाहिए ना अगर बेच और अज
तो इस वास्ते हम मुहरा माने पे हर बंदा जेड़ा भी है वो असी में सैयदा शाहवा सारी चीज़ा, लेकिन उन लोगों ने ना उन हसीन होने ना उन सखी होने ना उन दलेर होने उन्होंने इन अलामत नहीं पाई वैनिया, तो इन उन लोग जेड़े हजाज बिन यूसुफ ने दौर ने और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर ने उन आपे को और अजे तक भी बढ़ने पे अजे तक भी किए बढ़ने पे सैयद कई असा वेखा असले इलाके असले सामने एक दो पुश्ते तो बाद उन आपे को सैयद आखना शुरू करता, इतों हिदायत की और मुल्तान लगे गए उत्थे बन के उन्हें आखा असी सैयद सैयद हाँ असी की वहाँ सैयद हाँ कोई पता नहीं दो त्रै दसा तो बाद उसे लाभ के बंदा गया हिजत करके बनेरा जान लिया उत्थे चल गया पता लगा उन्हें आखा भी शाह साहब है सैयद है उड़ी चले गया उतो पहचान गया उ वे पहचान गया भाई इस चीज़ कौम हो रही तो इसे लाके ना सारा कुछ तो उस आखा बस रोजी रोटी चकरा चाह तो खाना छाना खवाया तो भाई इसते पढ़ता रखा है इसते के रखा है हाँ पढ़ता रखा है तो पढ़ता रखना तो नहीं चाहिए और आप अलैहिस्सलाम फरमाया जब अपने नसब तब्दील करे ना फरमाया उसते लानत बयान की गई अपना हसब नसब अल्लाह जेड़ा दिता वो अल्लाह पाक की तरफों वो बंदा कोई आप बन के ताना नहीं बंदे ने वसा हो गया तो असी आखा मैं भी बन सौ मैं सैयद होवा मैं क्यों हुआ सैयद होवा अल्लाह पाक जेड़ा बनाया उस बेहतर है और सारा कुछ और अल्लाह नजदीक बेहतर रूप जरा तकवे आला जरा कोर है तकवे आला आप रसा फरमाया हर मुत्तकी परहेज बैठी आल ने बिचुबे हर मुत्तकी परहेज बंदा केड़ा चाहे उसकी कौम जेड़े कबीला जेड़ा भी हो मैडी के वे मैडी आल ने बिचुबे तो के वे अगर मुत्तकी परहेजगार नहीं है दीन से चढ़ने वाला नहीं है तो बात को नूह अलैहिस्सलाम ने बेटा भी अल्लाह पाक फरमाया कि ए नूह तोड़ी आल चो नहीं में तोड़ी बीवी तोड़ी आल चो नहीं में इस वास्ते कि तो दीन से नहीं चढ़ने वाला और अगर दीन से चढ़ने वाला जिस कौम कभी सदर हजरत बिलाल अगर दीन से चढ़ने वाले तो वक्त हबशी वेन गुलाम वेन गुलाम ने की वक़्त होनी मुल खरीद खरीदो है सारा कुछ लेकिन अगर दीन से चल लें और दीन से कुर्बानी दी अल्लाह पाक मकाम में वो अता फरमाया कि अगर हजरत बिलाल अजान न देवें तो सूरज तुरू नहीं थी बिलाल अजान न देवे तो सूरज तुरू नहीं थी ना और वो मकाम अता फरमाया आप सलाम फरमाया बैतुल्ला ने छत चढ़ के अजान दी मक्का फतह थी तो कथे बैतुल्ला ने छत जन्नत ने भी सब तो पहले हजरत बिलाल वैसे जन्नत ने पहले कौन वैसे सब तो पहले हजरत बिलाल वैसे नबी पाक सलाम ने उठनी मुहार डप के अगे अगे वैसे उठनी मुहार जन्नत ने सब तो पहले वहना आप अलैहिस्सलाम ने वहना आप अलैहिस्सलाम का दरवाजा खोला वैसी लेकिन मुहार हजरत बिलाल ने पियो सी मुहार कह ने पियो सी हजरत बिलाल जरा पता को मुहार नाप के वहना पहले वो वहना पहले वो वहना ई मकाम अल मर्तबा ना अल्लाह पाक अता फरमाया असी मुहर्रम दे विच पास चीज़ ऐसी जी असी सुन के हिंजे भाई एक कब्रिस्तान वहना कब्रिस्तान वहना चाहिए जुम्याल दिन वहना चाहिए जुम्याल दाड़े वहना चाहिए ये कोई मुहर्रम नाल खास नहीं है मुहर्रम नाल खास नहीं है और उत्थे बन के जेड़े दुनिया तो फौत हो गए उन्होंने तल्लुक दुनिया ने गिज़ा ना खत्म होगा दुनिया ने गिज़ा ना क्या हो गया खत्म हो गया उन्हें कुहान जरा आसमानी गिज़ा वे पहुँच कि गिज़ा पहुँची आसमानी गिज़ा एक दुनिया की गिज़ा वे एक कणक चने दाली ये पानी ये सारी शाला पाक दुनिया एक आसमान तो आई वे वो एक कुरान पाक की तिलावत है दुरू शरीफ है जिक्र असकार है हाँ असी बन के उन्होंने कबरत दाली साटा वहाँ चावल साटा वहाँ असी सले आप निके निके होनी उस वे मावा तो असी उसले लोटा पानी ने भरा और पंजा रिश्तेदार है तो भाई उसको पूरा करना थोड़ा थोड़ा इंजे सटिया ना गया दाल की बूटी भर के चावल इंजे रसम ये के वे रसम अगर पानी पहुँचना तो वह बंद पंप चला के मोटर चला के पैप ला दे के ला दे पैप ला दे तोड़ पानी पहुँचाए ये उतो थोड़ा जहा लोटे का सट्टा ये तो उतना ही वट नहीं सी वट भी नहीं सी उसका तल्लुक नहीं सर उन्होंने को कुरान पढ़ के बख्शा कुरान पढ़ के जो अपने फौत थी गए रोज कुरान की तिलावत करके ज़्यादा नहीं थे एक दफ़ा खामोशी त्रे दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के बख्शा एक दफ़ा खामोशी त्रे दफ़ा हाँ ई पहुँचना ई उन्हें ताको हाँ पहुँचना बाकी और हर जुम्मे को बढ़ना चाहिए कब्रिस्तान उसे बन के मौत को याद करना चाहिए ये डॉक्टर साहब ये मलक साहब ये मुफ्ती साहब ये फलाने वो बंदे मुरीद पढ़ना ना वो बंदे को याद आना आज सारे सुते पे थाई आज सारे केवे थाई है सुते पे वेन और असा भी थाई आके सामना असा भी थाई आके असी भी आखिरी मंदिर थाई और उस वास्ते अच्छे अमाल कर सा अल्लाह कबर ए सी ला दे कबर के ला दे सी ए सी ला दे सी और अगर अमाल अच्छे न हो सन तो बात फरमाया कबर जन्म में बाग जो के हो सी
جنم نے گڑا جو گڑا ہو سی اچھے عمل کر ساتھ جنت نے باغ جو باغ ہو سی اور برے عمل کر ساتھ جنم نے گڑا چکی ہو سی گڑا ہو سی تقیب کہ اسی ان دا محرم کو جڑا عمل ہے وہ روزہ رکھنا چاہینا نو دا کو یا دا یا رکھو دو روزے اور اس دیارے اپنے اہل ویال تے کثرت نہ خرچ کرنا چاہینا کثرت نال خرچ کرنا چاہینا ہاں جس طرح حکم ہے کہ بندہ اہل ویال تے زیادہ خرچ کرو دا محرم اور دا محرم جے بازار بند ہوئے کیوں ہوئے بند ہوئے تو یہ حکم ہویا تو وقت نہ ہویا نا بند کو حکم ہویا اہل اس دیارے تے کیوں ہونے چاہینا کھلے ہونے چاہینا لیکن یہ اس قوم نے محنت ہے جیڑی صحابہ تہلے بیتا توڑنا چاہنی صحابہ تہلے بیتا کی کرنا چاہنی توڑنا چاہنی اس نو دا محرم سرکاری چھٹی منظور کرائی اور اس اساں نے دل وچ اتنی پائی یکا محرم اساں کچھ بھی نہیں سمجھ آنا حضرت عمر دے دلیل القدر صحابی امیر المومنین شہید ہو گئے حضرت عثمان بھی بھوکے پیاسے 40 دن پاسے شہید تھے تو حضرت امام حسین 10 دن تھی رہتے عثمان نے کہا کتنے دھاڑے 40 دھاڑے اج اساں چیتا بھی کوئی پتہ ہی کوئی سارے دل جایا کر کدو لیکن دا محرم ہر بچے بچے ذہن تھے یہ انہوں نے بہنا تھے اسی آخر کہیں نہیں دہائی کو اگر ان نواس رسول ان دوہرے داماد یہ سسر رسول ان بھی نبی نے پیارے صحابی اساں ان نبی افسوس سے انہیں شہادت اسی اگر شہادت تے غم کرنا شروع کراں تو بعد بدر نے شہدا بن او ادے بن بعد سارے بعد اس نے کوئی دن خالی کو نہیں کوئی دن خالی کو نہیں اور شہید نے اساں اس گل تے اگر غم ہویا اس وقت امام حسین کا زندگی نہ سودا کر دے ونا اور باطل سامنے جھک ونجا اسی غم تے افسوس کراں ہاں لیکن امام حسین جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ اپنی جان دے کے اس نے سامنے جھکے نہیں اساں اس گل تے فخر ہے اسی انہوں کو مردہ آخنی نہ اللہ نے قرآن جی آخنا زندہ اللہ نے قرآن کیا آخنا زندہ اسی انہوں کو مردہ نہ آخنے جس نے مردہ نہ آخنے تو ماتم کیڑی چاہیے بات ماتم کیڑی چاہیے افسوس کیڑی چاہیے جس نے وہ زندہ اللہ پاک فرمائے دوی جگہ تھی کہ ولا تا سبنا اسا مردہ گمان بھی نہ کرو انہاں مردہ گمان بھی نہ کرو اگے اس نے گل پاؤنا کہ بات وہ کی زندہ یہ اللہ فرمایا تیرے شعور کو نہ سی شعور اللہ بنایا شعور کہ بنایا اللہ بنایا اللہ پاک فرمایا میں کمزور بنایا تیرے شعور اس کی زندگی آنے آنی اگلے دن بھی ایک حافظ ہے قرآنی قبر تھے گی بارش آئی سارے بہت سارے قبرستان سن نہ کوئی علاقہ ہے موبائل سے ویڈیو چلنی پی فیس بک کی بندے ماں بکھائی پہ کہ اس نے بچ انہیں ویکھا میڈیا دسنے پہ کہ باقی قبروں میں کچھ جڑیاں ختم ہوئی ہیں لیکن جڑا حافظ قرآن ہے 5-6 مہینے پہلے دفن ہویا قبر بھی بالکل اس کا کفن بھی بالکل چمک نہ پا اور اس نے بالکل جسم ہر ایک اس سلامت حافظ ہے اور بات نبی پاک سلام کو حفظ کی تھا آپ سامنے صحابہ انہوں نے بارے امیر اللہ دعا کہ اللہ پاک اچھے اعمال کرنی الحمدللہ.